2 जनवरी सोमवार को घटी उपद्रव की घटना के बाद जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला शांति समिति की बैठक बस्तर आईजी सुंदरराज पी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। जिसके बाद हुई प्रेस वार्ता में बस्तर संभाग आईजीपी सुंदरराज ने आज हुई शांति समिति की बैठक की जानकारी साझा करते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जिलेवासियों से भ्रामक प्रचार वीडियो आदि के आदान प्रदान से बचने और जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। बस्तर आईजी ने प्रेस को दिए बयान में कहा है कि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जिले में कहीं भी गलत संदेहास्पद गतिविधियों से संबंधित सभा को आयोजित होती है तो आयोजित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन बाध्य होगी। सर, 2 दिन का जो माहौल हुआ उसके बाद अभी शांति पूर्ण माहौल के लिए क्या किस तरह की आगे कदम उठाए जा रहे हैं? 2 तारीख को हुई घटना के बाद कल और आज जिले में शांतिपूर्ण रहा है। प्रशासन और पुलिस इन दोनों विभाग की संयुक्त टीम गश्त कर रही है। जिले में जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो भी दोषी पाए गए हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही समाज के सभी वर्गों से, सभी प्रतिनिधियों से उनसे बातचीत कर यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील की गई है और उनके तरफ से भी पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। सर, घटना में एसपी साहब जो है घायल हुए थे, अभी उनकी स्थिति कैसी है? एसपी साहब की स्थिति अभी ठीक है और एसपी साहब, यह खुशी की बात है कि घटना में घायल होने के बावजूद एसपी साहब उसी दिन से अपने कार्य क्षेत्र में मौजूद हैं और इससे जो मनोबल है जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का वो भी इससे काफ़ी बढ़ा है और हम आगे जिले के नागरिकों के सहयोग से जिले में जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको बनाए रखने में सफल होंगे। सर, आज जो शांति समिति की बैठक हुई उसमें क्या किस तरह निर्णय लिया गया और किस तरह की आगे लोगों को निर्देश दिए गए? आज 4 जनवरी को जिला मुख्यालय नारायणपुर में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी समाज के प्रतिनिधिगण, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और कलेक्टर एसपी अन्य अधिकारी उपस्थित रहा। सभी ने एक ही मन से, एक ही राय से इस बात को व्यक्त किया है नारायणपुर अंतर्गत शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन की ओर से और पुलिस की ओर से, उसमें सभी समाज की ओर सहयोग रहेगा और सभी समाज और क्षेत्र की जनता यही चाहते हैं जिला में शांति व्यवस्था बने रहे। उसी दिशा में लगातार कार्रवाई भी हुआ। 3 तारीख और 4 तारीख को अभी तक किसी प्रकार का जिला में कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ। लगातार पुलिस बल एवं प्रशासन की टीम द्वारा इलाके में पेट्रोलिंग और अन्य जो कार्रवाई के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाकर रखा है। क्षेत्र की जनता भी वही चाहते हैं इलाके में किसी प्रकार का कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, उसी हिसाब से लगातार कार्रवाई जारी और आने वाले समय में भी हम लोग का जो कार्रवाई इस तरीके से रहेगा ताकि उस टाइप की घटना पुनरावृत्ति ना हो और पूर्व में जो घटनाएं हुई है उसमें भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्व में भी की गई तो आने वाले समय में भी जैसा प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि जो भी घटनाक्रम उसमें जो दोषियों को शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र की जनप्रतिनिधि को भी यही मंशा थे किसी प्रकार का कोई रूमर्स, किसी प्रकार का कोई गलत जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से या निसाधन के माध्यम से ना फैले, उसके लिए भी हम आप सबके माध्यम से वही अपील करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या अन्य माध्यम से यदि कोई दिग्भ्रमित जानकारी या गलत सूचना प्रसारित करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान है, उसी के तहत हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा ताकि किसी का मैसेज के कारण से, किसी का गलत जानकारी के कारण से क्षेत्र में कोई गलत परिस्थिति निर्मित हो रहा है, कोई शांति भंग हो रहा है तो उनके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करेगा और यदि मार्ग अवरुद्ध कर किसी का आवक जाव को प्रभावित करेगा उनके खिलाफ भी हम सख्ती से कार्रवाई करेगा। और क्षेत्र की वनांचल क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जनता के जो मंशा है शांति बना रहे उसी दिशा में हम लगातार कार्रवाई करेगा और सबका इसमें सहयोग भी हमको मिल रहा है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेगा।